सारे क्या होते हैं, सारे इस तरह का फॉन्ट होता है जिसकी टेक्स्ट के साथ ना ये कोई इस तरह की शेप हो, यानी एंड स्ट्रोक बने होते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये आपको इसको पढ़ने में लिजिबल बनाते हैं, इजीली पढ़ा जाता है, आपका ब्रेन इसे रिकनाइज कर लेता है कि ये जिसके साथ ये स्ट्रोक बनी है ना वो है सारे फॉन्ट, ठीक है। उसके बाद यही वजह है कि ये ना डिफरेंट पढ़े जाते हैं। अब आप कोई बुक हो ना, तो बुक की जो अंदर वाली टेक्स्ट है वो आपने अक्सर नोट किया होगा, हमारी टेक्स्ट जो है वो सारे फॉन्ट के अंदर लिखी होती हैं बुक्स हमारी खास तौर पे, क्योंकि और ये डिफरेंट फॉन्ट्स बताए हैं, फॉन्ट्स के नेम के जो सारे फॉन्ट है। उसके बाद सान सेरिफ, सान सेरिफ तो बड़ा क्लीन सा यूएक्स के फॉन्ट कहलाते हैं। यूएक्स मतलब जो स्क्रीन के लिए काम यूज किया जाता है, प्रिंटिंग के लिए नहीं, स्क्रीन के लिए, यानी हमारे मोबाइल्स, यानी जो मोबाइल्स ऐप आप यूज़ करते हैं उनका फॉन्ट अक्सर देखें तो वो सैंस सेरिफ में होता है। सैंस सेरिफ की आपको पहचान यही होगी कि वैसे तो आप इसे गूगल करके पढ़ सकते हैं कि ये सैंस सेरिफ बोला कैसे जाता है, मैं तो इसे सैंस सेरिफ बोलती हूँ, ठीक है। वैसे सैंस सेरिफ शायद इस तरह से पढ़ा जाता है। अच्छा, तो यही बताया गया है कि ये स्क्रीन के लिए, मोबाइल्स के लिए, डेस्कटॉप्स के लिए जो वेबसाइट्स बनती हैं ना, बड़े क्लीन से होते हैं ये, क्योंकि इधर स्ट्रोक नहीं होता तो ये बड़े फाइन नज़र आ रहे होते हैं। और ये इनकी कुछ एग्जांपल्स हैं। तो अब सैरिफ और सैंस सैरिफ का आपने अपने उसमें ध्यान रखना है।